कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड बेल बटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके दोस्तों। मेरा वॉइस परफेक्टली आपको सुनाई दे रहा है? ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेल मी, मेरा वॉइस परफेक्टली आपको सुनाई दे रहा है? ओके एंड मेरा स्क्रीन भी आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है राइट? तो मैं आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन पहले बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अपना क्वेरी पूछना है। अगर आपको अपना क्वेरी पूछना है आपको, तो आपको पहले बताना होगा कि आपको शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए इसका या लॉन्ग टर्म का टारगेट चाहिए। मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। एंड दूसरा, अगर ये आपको फ्रेश एंट्री करना है इसके लिए तो भी आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर मुझे फ्रेश एंट्री करना है या ऑलरेडी आपने कहीं पे लेके रखा हुआ है और कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है वो भी आपको मेंशन करना होगा, तो आपको अच्छे से मैं गाइड कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कल मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं अभी। अभी के लिए आपका जो भी कोई स्टॉक है तो आप स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। मनीष का क्वेरी है, व्हाट इज योर व्यू ऑन HDFC? ओके, द फर्स्ट क्वेरी इज HDFC। तो HDFC में स्टॉक बहुत ही अच्छा है एंड पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है और ये आइडियल अपॉर्चुनिटी था 2050 के आसपास HDFC में, लेकिन अभी 2211 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी किसी को भी नया पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। यस, इसके अंदर आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है 2300 के आसपास, लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में है तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा ही आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेशन नहीं करता हूँ कि फ्रेश एंट्री आपको करना है इसके अंदर, तो थोड़ा लोअर लेवल का वेट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ उसी लेवल पे आपको लोअर लेवल पे मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ही शॉर्ट टर्म प्ले करना है HDFC में, तो HDFC में 2180 के आसपास आप बाय कर सकते हो एंड आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसके बाद 2150 का। सी 2180 के आसपास आप बाय कीजिए एंड 2150 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एंड किसी को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इसके अंदर बाय करना है तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा 2150 के नीचे, आई होप कि ये 2150 के नीचे ट्रेड करना चालू करे और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड 2060 के आसपास, तो वहां पे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो लंबी अवधि के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेयर हो आप तो आपको बाय करना है 2180 के आसपास और फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2150 का एंड उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो है 2250 के ऊपर का आपका टारगेट रहेगा। यस प्रदीप कुमार, व्हाट्स योर व्यू ऑन HCL टेक? HCL टेक में आपको आने वाले दिनों में लोअर्स लेवल दिख सकते हैं। HCL टेक में कोई भी बाय करना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो, आपको आने वाले दिनों में 1070 का लेवल आराम से दिख सकता है। डेली चार्ट्स के ऊपर पहले देख लेता हूं मैं। यस, डेली चार्ट्स के ऊपर ये बहुत ही सॉलिड पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर HCL टेक आने वाले दिनों में अगर 1025 के आसपास आता है तो आपके लिए ब्लाइंड ब्लाइंड अपॉर्चुनिटी है, वहां पे डेफिनेटली बाय कर सकते हो 1020 के आसपास और फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर 990 का। 1020 पे बाय करो एंड 990 का स्टॉप लॉस लगा लो, 30 रुपए का रिस्क है दोस्तों। अगर ये स्टॉक्स यहाँ से चल दिया तो बहुत ही सॉलिड आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली आप बाय कीजिएगा दोस्तों HCL टेक में 1010 के आसपास। बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड चार्ट का पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है HCL टेक्नोलॉजी में 1020
पे बाय करो एंड 990 का स्टॉप लॉस लगा लो। यस, नेक्स्ट क्वेरी है अनुज एस, एस्कॉर्ट एंड एसीसी फ्रेश बाय और नॉट? ओके, आई विल टेक योर एसीसी। यस, एसीसी में अभी पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है 1520 के आसपास, अभी 1574 के आसपास है, सो 1520 के आसपास अगर आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रेश एंट्री करने के लिए तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो और उसके बाद फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसके अंदर 1480 का। सो 1510 के आसपास आप बाय करो एंड 1480 का स्टॉप लॉस लगा लो, तो यहाँ पे रिस्क रिवर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है और बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे अच्छी है और चार्ट भी अच्छा है, कंसोलिडेशन मूड में चल रहा है ये स्टॉक। सो आने वाले दिनों में भी आई होप कि यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन यहाँ से रिस्क बहुत ही कम है दोस्तों, जस्ट 30 रुपए का रिस्क है। 1510 पे बाय करना है आपको एंड 1480 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक का पैटर्न बहुत ही अच्छा है और ये स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो, डेफिनेटली काम कर सकते हो दोस्तों। यस, नेक्स्ट क्वेरी है श्री साई प्ले। ओके, किरी इंडस्ट्री नेक्स्ट टारगेट प्लीज। ओके, जी, किरी इंडस्ट्री में अभी बहुत ही अच्छे लेवल से ये बाउंस बैक दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपको 450 के आसपास का लेवल इसके अंदर दिख सकता है, अभी 430 के आसपास ये स्टॉक्स है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ कब बनेगा, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता है 470 के ऊपर तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ आपको दिखाई नहीं देगा। सो मेरे हिसाब से किरी इंडस्ट्री को बाय करने का सोच रहे हो थोड़ा वेट कर लो। अगर आप यहाँ पे बहुत ही आइडियल अपॉर्चुनिटी था, अराउंड 400 के आसपास इसने लो लगाया था, तो वहां पे अगर आपने बाय किया है तो आप होल्ड कर सकते हो, अगर नहीं बाय किया है तो अभी फ्रेश बाइंग मत करो। आई थिंक इसका रिजल्ट भी आने वाला है। सो 470 के आसपास आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है और एग्जैक्टली देख रहे हो आप, यहाँ से ही प्राइस स्टॉक रिवर्स हुआ था। सो मेरे हिसाब से जब तक 470 के ऊपर का क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिलता है तब तक इसके अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है? सो थोड़ा वेट कर लो। यस जिग्नेश, संकेत सर, आई एम बाइंग स्पाइस जेट 500 क्वांटिटी, सर टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, स्पाइस जेट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर लो, ठीक है? अगर आपको एडवाइस अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। सी स्पाइस जेट में अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है जिग्नेश, तो आपको 127 128 के आसपास आपको बाय करना चाहिए और उसके बाद फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 122 का। सो स्पाइस जेट में चार्ट का पैटर्न बहुत ही अच्छा है, जो भी जेट एयरवेज का जो भी बिजनेस का लॉस हो रहा है उसका प्रॉफिट इन सबको मिल रहा है, स्पाइस जेट एंड इंडिगो। सो इसीलिए इनका रिजल्ट्स भी आने वाले दिनों में अच्छे ही आने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको लोअर लेवल पे एंट्री करने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था अराउंड 120 के आसपास और वहीं से ही ये प्राइस ऊपर गया था अराउंड 147। तो अभी मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अभी 126 के आसपास आप बाय कीजिए, 126 127 के आसपास आप बाय कीजिए एंड उसके बाद आपको फाइनली स्टॉप लॉस लगाना है 122 का। दोस्तों ये लाइव सेशन चल रहा है, मेरे चार्ट के ऊपर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है और मैं आपका जो भी क्वेश्चन है वो भी रैपिड फायर क्वेश्चन है और जो भी क्वेरी है वन क्वेरी के बाद ही मैं दूसरी क्वेरी ले रहा हूँ। सो मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इतना एक्सपर्टाइज है कि मैं चार्ट देख के तुरंत आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए और किस स्टॉक में आपको बाइंग करना चाहिए, ठीक है?
एंड अगर आपको भी यही एनालिसिस सीखना हो तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक में, ट्यूसडे या वेनसडे से स्टार्ट होने वाला है। यस विकास प्रणव, बजाज फाइनेंस एंट्री लेवल। सी, बजाज फाइनेंस में मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपने थोड़ी गलती कर दी है। बजाज फाइनेंस पे मैंने वीडियो बनाया था और क्लियर कट मैंने बोला था कि 3000 के आसपास परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो देख लो, अभी मैं आपको दिखाता हूं बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस का लो देख लो दोस्तों, 2994, 2994 का लो है और यहां पर बहुत ही अच्छी परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी अभी, और 3419 हो चुका है प्राइस। और अगर आपको गलत लग रहा है तो आप देख सकते हो, एक मंथ पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, एक मंथ पहले, और क्लियर कट आपको बोला था कि बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में अगर आपको लोअर लेवल दिखाई देते हैं तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अभी फिलहाल के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है बजाज फाइनेंस में तो थोड़ा वेट कर लो, 3280 के आसपास अगर ये स्टॉक्स आता है, 3280 के आसपास अगर ये स्टॉक्स आता है तो डेफिनेटली आप वहां पे बाइंग कर सकते हो। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है मेरा 3240 का, सो वहां पे 3240 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको बाय करना है, मैंने जो भी लेवल आपको सजेस्ट किया है वहीं पे आता है तो आपको बाय करना चाहिए। और फिलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, और आप देख सकते हो कि 3000 से 3400 15% से भी ज्यादा का रिटर्न हो गया दोस्तों ऐसे मार्केट में। निफ्टी ने जहां पे अभी बहुत ही डाउन ट्रेंड दिखाया था और ये स्टॉक एग्जैक्टली उसके रिवर्स चल रहा है। सो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों। सो आप मेरे वीडियो देखो, एंड लाइव सेशन में वीक में एक बार करता हूँ तो वो भी आप अटेंड करो, ठीक है। सो लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जब तक ये 3500 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसको यहाँ और यहाँ पे इस लेवल पे आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो बजाज फाइनेंस में आपको क्या करना है, थोड़ा लोअर लेवल का वेट करना है, और मैंने जो भी लेवल सजेस्ट किया है आपको एग्जैक्टली वही लेवल पे आपको बाइंग करना है, ठीक है दोस्तों। यस रुचित सा, टाइटन व्यू प्लीज। जी ये रुचित साहब भी मेरा कजिन है, तो ये लोग भी लाइव सेशन में आके पूछते हैं और आप लोग फिर मुझे पर्सनल भी मैसेज करते हो तो वो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ये मेरे रिलेटिव्स होके भी लाइव सेशन में आते हैं और मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको भी लाइव सेशन में ही आना है अगर आपको फ्री में एडवाइस चाहिए तो, अदरवाइज मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो और बी एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। टाइटन में मुझे ऐसा लग रहा है रुचित कि अभी ये थोड़ा साइडवेज चल रहा है टाइटन, और अभी इसका रिजल्ट भी थोड़ा अच्छा नहीं आया था। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी जो फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है वो ठीक फॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगा जब तक ये 1120 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है। 1120 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको इसके अंदर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आप टाइटन में बाय करने का सोच रहे हो तो 970 बहुत ही अच्छा लेवल है, कि जहां पे अगर आपको टाइटन दिखाई देता है एग्जैक्टली यहाँ से 100 रुपये नीचे, वहां पे अगर आपको दिखाई देता है तो फिर आपको वहां पे प्ले करना चाहिए 970 के आसपास, और फिर फाइनली आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 940 का। तो 30 रुपये का रिस्क है, चार्ट के ऊपर क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे भी मैं देखता हूँ तो एग्जैक्टली वही लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से 970 के आसपास आता है तो डेफिनेटली आपको बाइंग करना चाहिए, और यहाँ पे जब तक ये 1120 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये स्टॉक्स नहीं चलने वाला। और दूसरा भी उसके ऊपर भी जाता है तो भी आपको 1160 1170 के आसपास इसके अंदर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। मेरे हिसाब से टाइटन में अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा लोअर लेवल का वेट करो, अभी रिस्क बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, और यहाँ पे भी कोई भी अच्छा फॉर्मेशन क्रिएट नहीं हुआ है कि जहां से वो बाउंस बैक दिखाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा लोअर लेवल का वेट करो, 970 इज अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। यस अनदर माय कजिन हर्षित दामाणी, आई बुल्स वेंचर।
इंडिया बुल्स वेंचर में जैसे ही हायर लेवल आपको दिखाई देता है, आपको 100% इसके अंदर सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। और अभी आई बुल ग्रुप पूरा न्यूज बेस हो गया है, तो अभी इसके अंदर मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा। और मैं आपको ऐसा ही एडवाइस देता हूं कि जैसे ही हायर लेवल आते हैं तो वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये स्टॉक्स 240 के आसपास, खुद प्रमोटर ने इसके अंदर बाइंग किया हुआ है 240 के आसपास, और ये स्टॉक्स अभी 240 के नीचे, बहुत ही नीचे चला गया था, करीबन 165 से। सो रिकवरी तो बहुत ही अच्छी दिखाई है, 2 दिन में ही वो 165 से 215 के आसपास आ गया था। और मैं भी पर्सनली भी इसको वॉच करता हूँ, इस दिन लोअर सर्किट लगा था 20% का, लेकिन बहुत ही शार्पली रिकवर हो गया था। सेम 20% लोअर सर्किट यहाँ पे लगा था और उसी दिन ये रिकवर हो गया था, उस दिन भी मैंने देखा था। और अभी का जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा इसके अंदर रिकवरी होता है तो 240 से लेके 250 तक ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन जैसे ही हायर लेवल जाते हैं तो वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और फिलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे इसके अंदर दिखाई दे नहीं रही है, और डेली चार्ट्स के ऊपर कोई भी अच्छे लेवल्स नहीं है, और बल्कि हायर साइड में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देती है। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे भी मैं देखता हूँ तो अल्टीमेट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी 260 के आसपास, तो मेरे लेवल्स मैच हो रहे हैं दोस्तों, 250 260 के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। सो अगर, और ये जिस तरह से इसने लो लगाया था, तो अभी फिलहाल कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया बुल्स वेंचर में। तो किसी को भी होल्ड कर रहे हो, अगर लोअर लेवल पे लिया है आपने, तो हायर साइड पे जैसे ही स्टार्ट आता है आपको सेलिंग करना चाहिए। 260, 250, 240 से लेके 250, और यहाँ पे भी आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है 260 के आसपास, क्योंकि वीकली के अंदर, वीकली चार्ट के ऊपर क्लियर कट दिख रहा है 260। सो अल्टीमेट सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा अराउंड 260, लेकिन सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा 240 से लेके। ओके, सो 240 मतलब यहाँ से 200 के आसपास है, 25 रुप, सॉरी 35 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 17% का मूव होता है। तो अगर ये स्टॉक्स बाउंस बैक दिखाता है तो वहां पे आपको सेल करना चाहिए दोस्तों। यस मनीष, एनी 5 स्टॉक्स जिसमें अभी एंट्री करें फॉर 3 मंथ? सो मैं आपको मनीष जी एक ही बात बोलता हूं, यही बात, लर्न एंड अर्न। ठीक है, सीखना सीख लो और उसके बाद पैसे कमाने का सोच लो दोस्तों। ठीक है, रेडीमेड मेरे पास कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। थैंक यू अमीर पाटिल जी, सर आपका एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेट होता है। सी, नो वन कैन डाउट ऑन माय एनालिसिस, बिकॉज मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, देख सकते हो। सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था ये यस बैंक का, सो यस बैंक एग्जैक्टली 100 रुपए आ गया था। टाटा मोटर्स भी देखो, 120 एग्जैक्ट वो आ गया है, 120। एचईजी 1000 रुपीज टारगेट अचीव, समझ रहे हो मेरी बात को? ये भी टारगेट अचीव हो गया था 1500 रुपये। इंडिगो, आईडीएफसी बैंक एग्जैक्टली 46 से रिवर्स हुआ है, ग्रेफाइट जैसे बोला था वैसा ही हुआ है। एशियन पेंट 1300 रुपये के आसपास मैंने बोला था बाइंग करने के लिए, और आज 1550, 52 वीक हाई लगा रहा है ये स्टॉक्स, लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको काम करना चाहिए दोस्तों। यस प्रदीप कुमार, आई होल्ड मदर सन सोमी एट 112.85 और 275 क्वांटिटी है, व्हाट इज द टारगेट एंड व्हाट शुड आई डू? ओके, सो तुमने तो गलत जगह पे बाय कर लिया है। इसके अंदर परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी था मदर सन सोमी में, मैं उसे पर्सनली ट्रैक करता हूँ मदर सन सोमी को। सो मदर सन सोमी में 103 के आसपास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था, 103, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मदर सन सोमे में यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था 103 के आसपास, 103। ठीक है, वह पहला अपॉर्चुनिटी था 103 के आसपास, और अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी था 94 95 के आसपास। सो लेट्स सी, यहाँ पे देख रहे हो आप लो, यहाँ पे लो कितना है, यहाँ पे लो देख रहे हो आप कितना है लो, सिंगल डे लो है 91 रुपीज का। सो 95 के रुपीज पे परफेक्ट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला था दोस्तों,
और जहां पे लोग पैनिक कर रहे हैं मैं एग्जैक्टली वहां पे बाइंग लेवल्स मेरे होते हैं। यही एनालिसिस आप भी सीख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होगा दोस्तों। लेकिन अभी 1107 आपने एग्जैक्टली जहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है, एग्जैक्टली आपने वहां पर सेलिंग बाइंग किया हुआ है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस देता हूँ कि जैसे ही स्टॉक्स देखो अभी भी फिलहाल ऑलरेडी ये मेरे जोन से रिएक्ट कर रहा है, मेरे जोन से रिएक्ट कर रहा है, तो यही दिन में आपको अपॉर्चुनिटी था अराउंड 110 के आसपास सेल करने का। और इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ कब दिखेगा, ये 113 114 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तब भी इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगा, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी स्ट्रेंथ आपको दिखाई नहीं देने वाला है और ये स्टॉक पूरा डाउन ट्रेंड में है। तो इसके अंदर भी मैं आपको वही बोलता हूँ कि राइज ऑन सेल, ठीक है, जैसे ही लेवल्स बढ़ते हैं रिकवरी होती है, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मदर सन सुमी का ट्रेंड टोटली नेगेटिव है दोस्तों, तो आपने तो बहुत ही गलत जगह पे बाय कर लिया है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बाय करना चाहिए था 95 के आसपास, जो भी मैंने स्टार्ट के ऊपर आपको बताया। सी आप शेयर मार्केट में पैसे कब बनाओगे, आपका राइट टाइम एंट्री होगा तब भी पैसे बनाओगे, एंड राइट टाइम एग्जिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सब चीज आपको नहीं सीखना है तो कुछ नहीं हो सकता आपका। यस कृष्णा कुमार, नेशनल पेरोक्साइड बाइंग प्राइस अबाउट 4000, व्हाट टू डू नेशनल पेरोक्साइड। माय गॉड, आपने 4000 के आसपास इसको बाइंग किया हुआ है और अभी तक आप इसको होल्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली नेशनल पेरोक्साइड में यहाँ पे अगर आपको लंबी अवधि के लिए किसी को भी बाय करना है नेशनल पेरोक्साइड, तो 1 1 2 1 2 3 0 का स्टॉप लॉस लगा के आप किसी को भी इसके अंदर बाइंग करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत ही लंबा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ और इसके अंदर अल्टीमेट सेलिंग प्रेशर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हायर लेवल पे, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह का सेलिंग मुझे अभी दिखाई दे रहा है वो बहुत ही शार्प सेलिंग है और बहुत ही हैवी सेलिंग आ रहा है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए। मंथली के ऊपर ठीक है चार्ट, और वीकली के ऊपर भी बेकार चार्ट है दोस्तों, बेकार चार्ट है। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होता है आपको आने वाले दिनों में 1000 रुपये का टारगेट भी इसके अंदर दिखाई दे सकता है। सो कृष्णा कुमार, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन दोस्तों आपको वो भी तो नहीं पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं। आप रैंडमली स्टॉप लॉस लगाओगे तो ईच एंड एवरी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। दोस्तों आपके लिए एक ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीख लो, एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास सीखो, किसी और के पास भी सीखना है आप डेफिनेटली सीख सकते हो, लेकिन क्या सीखना है? इस तरह का एनालिसिस विदाउट एनी इंडिकेटर, RSI, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, एरॉन, कुछ भी नहीं मैं यूज करता हूँ दोस्तों, MACD कुछ भी नहीं यूज करता हूँ, फिर भी इतना सटीक लेवल कैसे दिखाई देता है? और स्पीड देखो मेरी, कृष्णा कुमार कुछ नहीं हो सकता अबे। और मैं तुम्हें सेलिंग एडवाइस भी नहीं दे सकता कि यहाँ पे तुम सेल करो और निकल जाओ, अभी आराम से तुम होल्ड करो जब तक आपका, और सी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी एवरेज नहीं करना चाहिए, इसका ट्रेंड पॉजिटिव होता है उसके बाद तुम मुझे पूछ सकते हो कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मैं उसके बाद तुम्हें बोलूंगा कि यहाँ पे तुम्हें एवरेज करना है, अभी मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे एवरेज करना है। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है मेरा सेशन तो प्लीज लाइक करो, आपके लिए कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे वीडियो में, इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। यस,
अमर पाटिल सर, व्यू ऑन पिरामल इंडस्ट्री डेफिनेटली। पिरामल एंटरप्राइज जी, पिरामल एंटरप्राइज में यह सभी थोड़ा बाइंग प्रेशर तो आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और जैसे ही हायर लेवल आते हैं तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर दिखेगा। सो फर्स्ट अल्टीमेट सेलिंग मुझे दिख रहा है इसके अंदर 1890, 1890 के आसपास जैसे ही स्टॉक आएगा आपको इसके अंदर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी बाइंग करना है इसके अंदर तो मत करो, स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है और यहाँ पे कोई भी अच्छा लेवल नहीं है बाय करने के लिए। सो पिरामिड इंडस्ट्री राइज ऑन सेल, ठीक है। फर्स्ट अल्टीमेट आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा 1890, 1890 पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा और दूसरा सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है अराउंड 2040 के आसपास, 2040 के आसपास, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, पीएमएल को अवॉइड करो। यस नरेंद्र, आई वांट टू बाय रेडिको खेतान एट 300। आप बाय करना चाहते हो कि ऑलरेडी बाय कर चुके हो? प्लीज टेल मी, अगर आप ऑलरेडी बाय कर चुके हो। जस्ट वेट फ्रेंड्स, रेडी को खैतान करना चाहिए अराउंड 294 के आसपास। अभी रिस्क बहुत ही ज्यादा है, अभी आप मत बाय करो। अगर आप बाय करते हो 294 के आसपास, फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 287 का। तो यहाँ पे बाइंग बाइंग अच्छा है, वहां पे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं के 300 के आसपास। मैंने जहाँ पे भी बोला है आपको 295 के आसपास, तो एग्जैक्ट आपको वही लेवल पकड़ना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन रेडिको खेतान का भी चार्ट ठीक है, राइज ऑन सेल ही है, क्योंकि आप चार्ट देख रहे हो, चार्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको हायर साइड पे इसके अंदर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ ही दिखेगा दोस्तों। एंड यहाँ पे ये अल्टीमेट परफेक्ट जोन था, इसीलिए परफेक्ट यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है 270 से। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से जो गिरावट हुई है, उसी तरह से यहाँ पे कोई भी अच्छा सा जोन क्रिएट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे हुआ है 295 के आसपास। तो वहां पे आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, ठीक है। मैंने जो भी स्टॉप लॉस बताया है वो स्टॉप लॉस आप फॉलो करना। दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा सेशन? देखा है आपने, आपकी क्वेरी कोई इस तरह से सॉल्व कर करता है कोई यूट्यूब में? प्लीज टेल मी। एंड अभी तक आपने सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो दोस्तों। प्लीज टेल मी फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है मेरा सेशन आपको? विकास प्रणव, बहुत टाइम हो गया, तुमने अप्रोच किया था मुझे, भूल गए लगते हो। यस प्रदीप कुमार, इट्स रियली नाइस सेशन, आउटस्टैंडिंग सेशन। अर्जुन अरोरा, कमलेश सोनार, यू आर ग्रेट सर, सुपर सर, वेरी हेल्पफुल। सी पहले आप मेरे चैनल देखोगे तो मैं एक एक घंटे का लाइव सेशन करता था। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये सेशन देख रहे हो आप, देखो 43 मिनट, 41 मिनट, 46 मिनट, फिर देखो 54 मिनट, 59 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट।
लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो 50 मिनट, 53, 59, 53। तो मैंने आप लोगों की बहुत ही हेल्प की है दोस्तों, अभी मेरे को भी आपका हेल्प चाहिए। मैंने बोला है आप लोगों के भाई सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़ी, मेरे भी हेल्प करो, लेकिन आप लोग नहीं करते हो दोस्तों। और मेरी चैनल पे मुझे क्लियर कट पता चलता है कि मेरे सब्सक्राइबर कितने मेरे वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कितने वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे सब कुछ पता चलता है दोस्तों, इसीलिए मैंने लाइव सेशन थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन आप मेरी हेल्प करोगे तो डेफिनेटली मैं वीक में 2 बार आपके लिए ऐसा लाइव सेशन कर सकता हूँ दोस्तों, प्रॉमिस करता हूँ। और यस, अभी पिछले दिनों में थोड़ा डिस्टर्ब था तो इसीलिए मैंने नहीं किया था लाइव सेशन, लेकिन आज जिस तरह से लाइव सेशन कर रहा हूँ तो आने वाले दिनों में भी मैं आपके लिए लाइव सेशन करूंगा दोस्तों, ठीक है। एंड मैं टीचर हूँ दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो मैं ये सिखाता भी हूँ। अगर आपको सीख रहा है यही टेक्निकल एनालिसिस तो डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यस, यूपीएलए का बहुत ही अच्छा स्टॉक है अभिनव एबी, अभिनव एबी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक यूपीएल। मैं यूपीएल पे आपको बताता हूँ कि यूपीएल में क्या होने वाला है। तो यूपीएल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 533 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएल में यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 520 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा था। सो 520 इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और अभी भी 533 के आसपास चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को लंबी अवधि के लिए बाय करना है तो करंट मार्केट प्राइस पे यूपीएल को बाय कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स यूपीएल को करना है, बाय ऑन डिप्स अभी यहाँ पे बाय कर रहे हो और दूसरा 50% क्वांटिटी आपको बाय करना है अराउंड 430 के आसपास। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है लोअर साइड पे तो 430 इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ बाइंग पर्पस, ठीक है। सो यूपीएल जैसे स्टॉक को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। और ये जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी सजेशन दिया है, उसका रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में 100% दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं हम। तो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे फ्रेंड्स को बोलिएगा मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और यही टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको भी सीखना है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यस कमलेश सोनार, टाटा स्टील बता दो सर, बाय करे करने के लिए शॉर्ट टर्म, डेफिनेटली। कमलेश सोनार इज वेरी गुड पर्सन एंड बहुत लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर को नाराज नहीं कर सकता मैं। टाटा स्टील को टोटली अवॉइड करो सोनार, ठीक है। टाटा स्टील का चार्ट बहुत ही वीक नजर आ रहा है मुझे, बहुत ही वीक नजर आ रहा है। हायर लेवल जैसे ही आते हैं आपको इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा और जिस इंटेंसिटी से गिर रहा है। और एल्स अगर आपको सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 447 इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वहां पे आप सेल कर सकते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 400 जैसे ही आएगा आपको वहां पे ही सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। वो जो मैंने 450 बोला है वो तो बहुत ही लंबी बहुत ही दूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको जैसे ही स्टॉक बाउंस बैक दिखाता है आपको 400 के आसपास ही इसके अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। यस बहुत बढ़िया सर, एक नंबर, थैंक यू अमर पाटिल जी। डिश टीवी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो आपका नाम क्या है वो मुझे पता नहीं, आपने लिखा है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरा डिश टीवी पे वीडियो बना के रखा हुआ है ये वीडियो, तो आप वीडियो देख लेना दोस्तों, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ब्लॉकबस्टर मेरा कॉल रहा है ये रिलायंस का। रिलायंस मैंने आपको सजेस्ट किया था 1100 के आसपास बाय करने का, तो परफेक्टली 2 दिन में ही उसने बाउंस बैक दिखाया 1100 से 1170, 70 रुपीज का दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये जोन था।
ठीक है। जेके पेपर ने भी बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखाया है। जेके पेपर 1 220 के आसपास चल रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि जेके पेपर में 103 104 के आसपास बाइंग करना चाहिए। ठीक है। यस हिरल पटेल, फर्स्ट टाइम आई हैव अटेंड, नाइस वन सर। तो यस जगदीश विस्पुटे, यू आर ग्रेट सर। हमारी बात हुई थी जगदीश, यू आर फ्रॉम सूरत, आई नो दैट। ओके एंड यू मे बी बिकम माई स्टूडेंट्स वेरी सुन, आई नो दैट। तो दूसरे फ्रेंड्स आपको भी मैं बता रहा हूँ, सीख लो ये सब चीज। मैं यहाँ पे आपकी परमानेंट हेल्प नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा एनालिसिस, और ये सब पास्ट वीडियो भी है दोस्तों लाइव सेशन के, आप देख सकते हो टाइम निकाल के, और वो टाइम के साथ मैच करो दोस्तों कि कैसे एडवाइस दे रहा हूं मैं और किस तरह से विदाउट एनी इंडिकेटर इतना परफेक्ट लेवल आ रहा है मेरा। ठीक है। तो आने वाले दिनों में फिर से मिलेंगे दोस्तों। हो सकता है अगर आप मेरी आज हेल्प कर दोगे, अगर आज मेरे सब्सक्राइबर अराउंड 3333 के आसपास है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ अभी जितने लोग देख रहे हैं, अगर कल के दिन में मेरे सब्सक्राइबर 3500 के आसपास हो जाते हैं, मैं 1 घंटे का लाइव सेशन करूंगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का, ये प्रॉमिस है मेरा। लेट्स सी अभी आप लोग कितना हेल्प करते हैं मेरी। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड यही टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो तो डेफिनेटली सीख सकते हो। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।